बिस्मिल्लाम रहीम वेलकम टू जो एस ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स इस टाइम फॉर अ मैथ, आर टॉपिक इज़ टिग्नोमेट्रिकल रेशोज एंड ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हमारी स्टार्ट हुई भी है सबसे पहले हम टिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ का इंट्रोडक्शन लेंगे देर आर थ्री बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन कोसाइन एंड टेजेंट given a right angle, uh, right angle triangle you can find the sine or cosine or tangent of either of the non triangle uh, 90 angles हमारे पास यहाँ पर आर, साइन थीटा को एक्सप्लेन किया गया है जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज है और जो एंगल थीटा की तो वन है उसके ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड तो ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा साइन थीटा सेम वन अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज की वन हो थीटा के साथ तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जिसको हम एडजस्टिड एंगल भी कहते हैं एडजस्टेंट साइड भी कहते हैं हमारे पास वो जाता है कॉस थीटा और टेंथ थीटा भी हमारे पास आ जाता है ओपोजिट ओवर एडजस्टेंड मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस ओपोजिट ओवर एडजस्टेंट को हम परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ओवर बेस के साथ भी डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास टेंथ थीटा की इक्वल आ जाता है हम इसको सौ खा और टॉ के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं सौ मीन साइन ओपोजिट ओवर हाई पोटीन्यूज कॉज एडजस्टेड ओवर हाई टॉ हमारे पास ओपोजिट ओवर एडजस्टेंट ये देखिए ओपोजिट ओवर हाई पॉट न्यूज और यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है हमारे पास इसको फिगर्स के साथ आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर थर्टीन बी की रेबियन है उसका हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स ए पार्ट में हमारे पास यहाँ पर देखें राइट एंगल ट्राइंगल है ओपोजिट साइड्स की हाई है जो कि गिवन नहीं है थीटा की वैल्यू गिवन है बेस की वन है और इसके ऑपोजिट साइड मीन परपेंडिकुलर साइड की वन है और उसके अकॉर्डिंग ये देखें यहाँ पर कौन सी चीजें हमारे पास कौन सी में ये लाई करती है परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हमारे पास टेन थीटा टा लाई कर रहा है बी में हमारे पास एक बेस है यहाँ पर लाई कर रही है दो वैल्यूज और उसके ऑपोजिट साइड पर राइट एंगल ऑपोजिट साइड पर है बेस हाई प्रोटीन यूज पास कॉस थीटा में लाई करता है सी में हमारे पास है ये बेस बेस यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है ये हमारे पास है एंगल के अपोजिट साइड पे ओपोजिट साइड मीन परपेंडिकुलर और राइट एंगल के अपोजिट साइड तो पर हाई पॉर्टीन्यूज तो परपेंडिकुलर ओ पर हाई पॉर्टीन्यूज मीन यहाँ पर साइन थीटा लाई कर रहा है डी पार्ट में हमारे पास जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सी टिक्नोमेटिक रेशियोज लाई कर रही है तो आप समझेंगे आपका Uh, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी बस उसके बाद तो जस्ट आपकी कैलकुलेशन रहेगी जो आप कैलकुलेटर से कर लोगे यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड पर ये हाई है ये फिफ्टीन है और और एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमारे पास ऑपोजिट साइड है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है वी में हमारे पास जिससे कि हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो गिवन uh, है जो रिक्वाय वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारी कौन सी ट्रिकोमेट्रिक रेशियज़ में वैल्यूज़ लाइक करेंगी एडजेसेंट साइड हमें गिवन है और ओपोजिट साइड तो हमारे पास ओपोजिट साइड ओवर एडजस्टेंट साइड मेन ओवर बेस किस में लाई करता है टेन थीटा में तो हमने ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज़ को पहले लिख लिया उसमें परपेंडिकुलर की जगह एक्स और बेस की जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और थीटा की जगह ट्वेंटी एट क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न में है डिनोमिनेटर में है वैल्यू जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट फोर 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 क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस है पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स या वाई की लेकिन यहाँ पर अब एक्स और वाई बोथ वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है देखिए इसमें भी एक्स और वाई फाइंड आउट करना है इसमें भी एक्स और वाई और एक्स और वाई फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे इसका हम एक पार्ट रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है हमारे पास देखें एंगल है उसके ओपोजिट साइड पर पेंडिकुलर जहाँ पर दोनों एंगल जिस साइड पर लाई कर रहे हैं वो हमारे पास होगी बेस और ये हमारे पास हाई पोर्टीन्यूस तो अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है एक्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाई पोटीन्यूस किस में साइंस थिएटा में तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेंगे उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे चूँकि ये डिवीजन में आ रही है वैल्यू जब हम इसको साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्व करने के बाद हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी सेकेंड है वाई।, वाई वाई में हमारे पास क्या है ये बेस और ये हाई तो बेस ओपर हाई पॉटिन्यू स्मेल आई करता है ऑब्वियसली तो कॉस थीटा में तो कॉस थीटा का वैल्यू फार्मूला लिखा उसमें वैल्यूज़ वैल्य। को पुट किया आगे उसके साथ ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है मल्टीप्लाई किया और उसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ़ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिक्ल यहाँ पर देखें अब हमें टू वैल्यूज़ गिवन है ये हमारे पास है थीटा के ऑपोजिट साइड फॉर ऑपोजिट साइड मीन्स फॉर पेंडिकुलर और ये हमारे पास है बेस पर पेंडिकुलर बेस की दोनों वैल्यूज़ गिवन है और हमारे पास थीटा मिसिंग है यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही दो दो वैल्यूज गिवन है बट हमारे पास थीटा मिसिंग है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम इसको भी रिवाइज करेंगे रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज नंबर थर्टीन बी का क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है परपेंडिकुलर बेस किस में लाई करता है टेन थीटा में टेन थीटा में आपने जो वैल्यूज लिखी है उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे पर की जगह ट्वेल्व और बेस की जगह थर्टीन आ जाएगा ट्वेल्व और थर्टीन की वैल्यू हम निकालेंगे तो पॉइंट नाइन टू थ्री वन आएगी और जब हमें थीटा रिक्वायर्ड होगा तो अगर वो जिसके साथ भी होगा जो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप अप्लाई कर रहे हो उसका इनवर्स दे लोगे साइन थीटा होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा कॉस थीटा होगा तो कौन इज इन्वर्स हो जाएगा और टेन थीटा है तो टेन इन्वर्स होकर हमारा आंसर आ जाएगा फोर्टी टू पॉइंट सेवन वन ओके okay, स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज नंबर थर्टीन बी का क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट है आपने इसमें एक्सरवाइज दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है प्रैक्टिस करोगे इन शाला तला आपको बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली आप इनको सॉल्व कर लोगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़